देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बोरावट से है, जहां शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा परवसर में आयोजित 66वीं जिला स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में 17 वर्ष व 19 वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जीत कर टीम के बोरावट लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। वह आज शुक्रवार को पालिका उपाध्यक्ष समीम खत्री के द्वारा एक समारोह के तहत बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि भेंट कर जोरदार सम्मान किया गया। आपको बता दें कि टीम के बोरावट पहुंचने पर शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं शुक्रवार को विद्यालय प्रांगण में नगर पालिका उपाध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में बालिकाओं का प्रोत्साहन राशि देकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर समीम खत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में बेटा व बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज बोरावड की बेटियों ने खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ये साबित कर दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य राम सिंह नेत्रा ने भी सभी आगंतुक अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए टीम प्रभारी वीरेंद्र डुकिया, नरेंद्र डुकिया व रेणु राजावत का टीमों का नेतृत्व कर उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने बताया कि 17 वर्ष आयु में ऑलराउंडर खिलाड़ी दीक्षिता नेत्रा, प्रियंका नेत्रा, दीक्षा ने भीचर, मोनिका व खुशबू का शानदार प्रदर्शन रहा। वहीं 19 वर्ष में दिव्या, सरला रिनवा, पूनम भीचर, ममता गरुड़ा व कसक हरिजन ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं कुचामन में आयोजित पावर लिफ्टिंग में विद्यालय की 17 वर्ष छात्रा में ज्योति व सानिया बानो ने स्वर्ण पदक हासिल किया। दिव्या व उर्मिला ने सिल्वर पदक व रेशमा ने कांस्य पदक हासिल कर किया। इसी प्रकार 19 वर्ष छात्रा में आयशा ने स्वर्ण पदक व सुमन ने कांस्य पदक हासिल किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा शहर मंडल अध्यक्ष रामस्वरूप गोरा, बाबूलाल सिगाड़िया, वार्ड पार्षद संजय कांत जागीर, दीनदयाल भाटी, सुरेश वाल्मीकि, प्रकाश सोनग्रा सहित गणमान्य लोग व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। बोरावट से ब्यूरो रिपोर्ट, जेवन राजस्थान न्यूज़।